स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 45 फाइव फॉर क्लास सिक्स टू एट इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पे अपना टीचर्स नेम लिखोगे ये जो आपकी वर्कशीट है ये 26 अगस्त की है 26 अगस्त 2020 की है सो so, देख लेते हैं इसके अंदर हमने करना क्या है हमें दिया हुआ है क्योंकि प्रणव इज ए सेंसिबल बॉय ही फॉलोड द सिस्टमैटिक रूटीन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड हिज फादर इज ए टेलर एंड हिज मदर इज ए होम मेकर अलॉन्ग विद हिज रूटीन एक्टिविटीज़ ही हेल्प्स हिज पेरेंट्स इन दियर वर्क हिज डेली रूटीन इज मैंशन इन द टेबल गिवन बिलो प्रणव कोई बच्चा है सेंसिबल का मतलब अच्छा बच्चा है ठीक है uh, वो एक सिस्टमेटिक रूटीन जो है वो लॉकडाउन पीरियड के uh, अंदर फॉलो करता है उसके फादर जो है वो एक टेलर हैं दर्जी हैं और उसकी मम्मी जो है वो एक हाउस मेकर है मतलब हाउस वाइफ है घर पर काम जो करती है उसके अलावा जो है उसकी रूटीन की एक्टिविटीज के साथ साथ वो अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करता है तो उसका एक चार्ट उसने बनाया है उसका एक टाइम टेबल मान लो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे उसका काम दिया हुआ है कि वो क्या करता है स्लीप करता है हेल्पिंग पेरेंट्स वॉचिंग टीवी प्लेइंग गेम्स स्टडी बेसिक रूटीन या टोटल आवर्स ठीक है उसके बाद में टाइम दिया है कि कितने कितने घंटे वो कौन सा काम करता है स्लीप करता है नाइन आवर्स हेल्पिंग पेरेंट्स फोर आवर्स वॉचिंग टी वी टू आवर्स प्लेइंग गेम्स थ्री आवर्स स्टडी चार घंटे करता है बेसिक रूटीन उसका टू आवर्स uh, का है और टोटल उसके ट्वेंटी फोर आर्स हो गए ठीक है सो so, आपने यहाँ पे uh, उसके बाद में देखो लेट अस डिस्कस हिज एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन की टर्म्स में हमने उसकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना है सो so, सबसे पहले है हमने यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स लिखने हैं ऊपर वाले टेबल में से इसमें से देख के ठीक है सो so, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी आर्स डिट पर्ना स्पेंड स्लीपिंग इन ए डे एक दिन में वो कितने घंटे सोता है नाइन आवर्स जैसे आपको दिया है तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर जो भी हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे ये वाले बॉक्स से डिवाइडेड वाला ये वाला बॉक्स और उसको सिंप्लीफाई करना है आपने ये थ्री के टेबल पर जाएगा तो थ्री बाई एट गया थ्री थ्री जो नाइन होता है और एट थ्री जो ट्वेंटी फोर होता है ठीक है सो so, अब उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है हाउ मनी आर्स डिड प्रणव स्पेंड स्टडिंग इन ए डे कितने घंटे वो स्टडी करता है फोर आवर्स तो आप यहाँ पे लिखोगे फोर ठीक है फ्रैक्शन क्या बनेगी फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर ठीक है फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर तो फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर करोगे तो ये बनेगा वन बाई सिक्स ठीक है सिक्स uh, जो होता है फोर बाई ट्वेंटी फोर को अगर हम सिंपलीफाई करते हैं फोर के टेबल पे तो फोर वन 4 फोर सिक्स फोर ट्वेंटी फोर तो वन बाई सिक्स बन गया ठीक है सो so, पहले का आंसर आ गया ठीक है उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ टोटल उसके जो स्टडिंग के आर्स हैं वो चार घंटे हैं फ्रैक्शन कैसे बनेगी? फोर बाई ट्वेंटी फोर ठीक है अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर के टेबल पे गया फोर वन हज़ार फोर फोर सिक्स हज़ार ट्वेंटी फोर तो वन बाई सिक्स आ गया ठीक है उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे ये आप दोनों टेबल में लिख लेना ठीक है यहाँ पे फोर बाई ट्वेंटी फोर और यहाँ पे वन बाई सिक्स ठीक है उसके बाद बात करते हैं हाउ मेनी आर्स द दौ स्पेंड प्लेइंग इन ए डे कितने घंटे वो खेलता है तो थ्री आवर्स वो खेलता है तीन घंटे खेलता, खेलता है तीन घंटे खेलता है अब इसकी फ्रैक्शन हमने बनानी है तो ये क्या बनेगी देखो थ्री बाई ट्वेंटी फोर ठीक है ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी इसको सिंपलीफाई करेंगे थ्री बाई ट्वेंटी फोर को तो थ्री वन जार थ्री थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर तो हमारे पास क्या बनगी वन बाई एट तो आंसर कितना आ गया वन बाई एट लास्ट वाले बॉक्स में कितना लिखोगे यहाँ पे लिखोगे वन बाई एट ठीक है ये हो गया उसके बाद में हाउ मैनी आर्स ये आप दोनों लिख लेना ठीक है उसके बाद में हाउ मैनी आर्स डिड प्रणव स्पेंड वॉचिंग टीवी इन ए डे टी वी कितने टाइम वॉच करता है वो दो घंटे तो टू आर्स यहाँ पे आ गया यहाँ पे क्या आएगा टू बाई ट्वेंटी फोर ठीक है टू बाय ट्वेंटी फोर आ गया ओके टू बाई ट्वेंटी फोर ओके उसके बाद में इसको डिवाइड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू बाई ट्वेंटी फोर आया उस बॉक्स के अंदर इसको सिंप्लीफाई किया तो टू वन जरा टू और ये बन गया वन बाई ट्वेल्व तो आपकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगी वन बाई ट्वेल्व के बराबर ठीक है उसके बाद में बात करते हैं आगे वाले की आगे वाले में हाउ मैनी आर्स डिड प्रणव स्पेंड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स हेल्प कितने घंटे करता है अपने पेरेंट्स की चार घंटे ये रहे ठीक है तो यहाँ पे लिखोगे आप फोर आर्स ठीक है इधर बनेगा आपका फ़ोर बाय ट्वेंटी फ़ोर अब इसको कट करोगे फ़ोर वन जार फोर फोर बाय ट्वेंटी फ़ोर बन गया ना तो फोर बाय ट्वेंटी फोर अब इसको कट करो फोर वन जार फोर फोर बाय ट्वेंटी फ़ोर को मैं सिंप्लीफाई करूँ फोर वन जार फोर फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर तो ये बन गया मेरा वन बाय सिक्स ठीक है आंसर कितना बन गया वन बाय सिक्स तो यहाँ पे आप लिखोगे वन बाय सिक्स ठीक है तो ये हो गया हमारा टेबल पूरा ठीक है उसके बाद में बात करते हैं आपने ना यहाँ से देखना है जितने भी घंटे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है इस सेकंड वाले बॉक्स में आपने ना सबको डिवाइड करना है ट्वेंटी फोर से सबको डिवाइड करोगे ट्वेंटी फोर से जितने भी घंटे आपके पास आएंगे सबको आपने ट्वेंटी फोर से डिवाइड कर देना ठीक है और उसके बाद में उसको किसी के टेबल पे भी जाके कट हो के जितना आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है वो आपने यहाँ पे लिखनी है ओके उसके बाद हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ना इसके अंदर आपने क्या करना है देखो ऊपर आपको जो टेबल दिया हुआ है ना उस टेबल में हर एक जो नंबर दिया हुआ है वो अलग अलग रंग से दिया हुआ है जैसे नाइन स्लीप है तो मेरून कलर है हेल्पिंग पेरेंट्स है तो ब्लू कलर है वॉचिंग टी वी है तो टू जो आपका पर्पल है वो लिया प्लेइंग गेम्स ऑरेंज से किया स्टडी जो है वो चार घंटे की उन्होंने ग्रीन से किया बेसिक रूटीन ब्राउन से किया ठीक है तो आपने नीचे जो आपको स्केर दिया हुआ है ना ऊपर देखना है कि कौन से कलर से कितना किया तो देखो स्लीपिंग जो है वो नौ घंटे करता है तो उन्होंने रेड कलर से इसको मैरून कलर से नौ जो बॉक्सेस थे उनको फिल कर दिया नाइन बॉक्सेस को ठीक है अब आप जब पेरेंट्स की बात करोगे हेल्पिंग पेरेंट्स तो यहाँ पे कोई भी जो चार बॉक्सेस हैं उनको ब्लू कलर से फिल कर दोगे ठीक है ब्लू कलर से ठीक है उसके बाद में आपने क्या करना है इधर देखना है वॉचिंग टी की बात करते हैं तो वॉचिंग टी में आप क्या करोगे कोई भी दो दो बॉक्सेज हैं वो किससे फिल कर दोगे आप जो आपका पर्पल कलर है उससे यहाँ पे कोई भी दो बॉक्सेज यहाँ पे दो बॉक्सेज बचेंगे तो वो ब्लू से फिल कर आपने पर्पल से फिल करने हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे देख लेना जो भी कलर आपको दिया उतने बॉक्सेज आपने फ़िल करने हैं बीच में छोड़ना नहीं है लगातार फिल करने जैसे इनको नाइन को लगातार फिल किए फिर चार जो है वो आप लगातार फिल करोगे फिर दो आप लगातार फिल करोगे फिर आप तीन लगातार फिल करोगे ठीक है उसके बाद में फिर चार आप लगातार फिल करोगे ऐसे करके आपने करना है ठीक है जो so, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 45 जो 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट है आपकी यानी कि 26 अगस्त की वर्कशीट है क्लास सिक्स टू एट के लिए